देश भी चलते रहना चाहिए। और देश में ये जो स्वदेशी का अभियान है जिसका लक्ष्य है कि हम विदेशी कंपनियों की आर्थिक और वैचारिक गुलामी से देश को मुक्ति दें, वहीं पर देश की सेना, देश की सरकार के पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपने सेना और सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा करके अपने दुश्मन देशों को अवसर देते हैं देश को नीचा दिखाने। इन ओछी बातों से राजनीतिक दलों को और व्यक्तियों को जो किसी भी प्रकार की राय रखते हैं उनको कम से कम देश के बारे में ऊँची बातें नहीं करती। मैं किसी व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि इस समय अपनी सेना के पराक्रम, एयरफोर्स की कार्रवाई, जहाँ के इसरो और हमारी एजेंसियों और सेना की विश्वस्त सूत्रों से 280 वहाँ पर मोबाइल थे, तो मोबाइल से कोई पेड़ पौधे या जानवर तो बातें नहीं करते वहाँ, इसका मतलब जो है आदमी थे और आदमी वो सामान्य नागरिक नहीं थे। आतंकवादियों के कैंप तो सारी दुनिया जानती है, पीओके से लेकर के पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। और जब अमेरिका अपने ऊपर अटैक होता है और उसका बदला आकर के वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को दफन करके ले सकता है, अपने दुश्मन को जो पनाह दे रहे हैं उनको, वो जहाँ भी हो वहाँ जा करके उनको आत्मरक्षा का अधिकार सभी देशों का है, उसके तहत वो पूरी दुनिया में जाकर के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है अमेरिका, क्योंकि हम अपने पड़ोसी देश जहाँ से आतंक को पनाह दी जा रही है वहाँ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। और उस कार्रवाई के ऊपर जो ओछी बातें कर रहे हैं वो एक तरह से देश के साथ धोखा, गद्दारी और विश्वासघात है। देश भी चलते रहना चाहिए। और देश में ये जो स्वदेशी का अभियान है जिसका लक्ष्य है कि हम विदेशी कंपनियों की आर्थिक और वैचारिक गुलामी से देश को मुक्ति दें, वहीं पर देश की सेना, देश की सरकार के पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपने सेना और सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा करके अपने दुश्मन देशों को अवसर देते हैं देश को नीचा दिखाने। इन ओछी बातों से राजनीतिक दलों को और व्यक्तियों को जो किसी भी प्रकार की राय रखते हैं उनको कम से कम देश के बारे में ऊँची बातें नहीं करती। मैं किसी व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि इस समय अपनी सेना के पराक्रम, एयरफोर्स की कार्रवाई, जहाँ के इसरो और हमारी एजेंसियों और सेना की विश्वस्त सूत्रों से 280 वहाँ पर मोबाइल थे, तो मोबाइल से कोई पेड़ पौधे या जानवर तो बातें नहीं करते वहाँ, इसका मतलब जो है आदमी थे और आदमी वो सामान्य नागरिक नहीं थे। आतंकवादियों के कैंप तो सारी दुनिया जानती है, पीओके से लेकर के पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। और जब अमेरिका अपने ऊपर अटैक होता है और उसका बदला आकर के वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को दफन करके ले सकता है, अपने दुश्मन को जो पनाह दे रहे हैं उनको, वो जहाँ भी हो वहाँ जा करके उनको आत्मरक्षा का अधिकार सभी देशों का है, उसके तहत वो पूरी दुनिया में जाकर के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता अमेरिका, क्योंकि हम अपने पड़ोसी देश जहाँ से आतंक को पनाह दी जा रही है वहाँ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। और उस कार्रवाई के ऊपर जो ओछी बातें कर रहे हैं वो एक तरह से देश के साथ धोखा, गद्दारी और विश्वासघात है।